यूपी के हाथरस में ग्राम विकास की जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों को एक युवक को रोकना भारी पड़ गया। कब्जा रोकने पर दबंगों ने युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर अवस्था में आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव छतरपुर का है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ले गया जिला अस्पताल। ये ग्राम पंचायत जहांगीरपुर का राजस्व ग्राम है छत्तरपुर जी, जिसमें ग्राम सभा की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा था। तो इन्होंने जिनके विकास कुमार और बंटी के जो गोली लगी है, इन्होंने मेरे पहुंचने से पहले ही थोड़ा बहुत छातनी हुई होगी, इतने में उसने सीधी गोली मार दी। इनके जान से मारने का इरादा था। तो ये कौन दबंग लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, दबंगी से कब्जा कर रहे हैं? और इससे पहले भी इन्होंने कई बार उस पर कब्जा करने का प्रयास किया है। दो बार तो मैंने ही प्रेस को बुलाकर कब्जा रुकवाया था इनका। तो पुलिस को जानकारी दी आपने? आज हाँ, आज मैं पुलिस तक पहुंच नहीं पाया जब तक ये मैटर हो गया। अच्छा, उसके बाद में गोली चलने के बाद में पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दी, पुलिस को पहुंची थी जी। वो ग्राम पंचायत पर अगर कब्जा कर रहे थे, हमने जाके उनको रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और मेरे को गोली मारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ, छत्तरपुर। कौन सा थाना लगता है? थाना हाथरस। पुलिस को सूचना दी, फिर उसके बाद में आपने सूचना दी थी? पुलिस लेट आई, पुलिस आपको लेके आई अस्पताल। कितने लोग थे वो? तीन लोग थे। तीन लोग थे।